हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अमृत पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक और नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूं और ये बहुत ही डिफरेंट ट्यूटोरियल है और इसका जो मेन थीम है वो दोस्तों इमेज है, पिक है, गैलरी है। तो कैसे ये ट्यूटोरियल वर्क करता है उसका मैं आपको डेमो दूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा, अगर आप हमारे ट्यूटोरियल लर्निंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा ट्यूटोरियल कैसे बनाते हैं और ट्यूटोरियल बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, उन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है दोस्तों, उसके सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम F11 में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर पर जाने के बाद, जैसे हम इन्वेंट्री फीचर पर जाएंगे हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, इनेबल इमेज मॉड्यूल, हम इसे यस करेंगे और यहाँ पर हम ड्राइव देंगे। दोस्तों ये ड्राइव क्या है दोस्तों, जैसे मैंने डी ड्राइव में, अगर मैं अपने कंप्यूटर पर बात करूं तो डी ड्राइव में जाने के बाद एक इमेज नाम का फोल्डर हमारे पास है, ये मैं आपको दिखलाता हूं, ये इमेज, और इस फोल्डर में कई सारे इमेजेज हमारे पास हैं अलग अलग, ये देख लीजिए अलग अलग नाम से वो इमेज है और हर तरह का इमेज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन्हीं इमेज का हम यूज करेंगे इस ट्यूटोरियल पर। तो मैंने यहाँ यस किया, इमेज का पाथ दिया, इसके बाद क्या है, हमें आइटम पर इमेज सेट करना होगा। इमेज सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल मोड यूज किया है, आप देखिए, जैसे मैंने ये सारी का एक ग्रुप लिया और यहाँ पर मैंने एक आइटम नाम दिया, आइटम का नेम ग्रुप हुआ, यूनिट हुआ, और यहाँ पर हमने इमेज चूज किया। जो भी इमेज आपने उस ड्राइव में है आपके पास उस फोल्डर में, वो सारा इमेज यहाँ पर दोस्तों लिस्ट में शो हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कीजिए। और इस तरह से सारा चूज करते हुए मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है, ये वो मल्टीपल में, आप इसको सिंगल में भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंगल में जाने के बाद एक आइटम बनाया और जो भी उसका ग्रुप वगैरह है, क्वांटिटी वगैरह है, सारा कुछ आप दीजिए और ये लिस्ट यहाँ पर खुलेगा। जैसे आप दीजिएगा, देखिए वो इमेज ऑटोमेटिक यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, ये हो गया सिंगल में। यहीं पर दोस्तों अगर आप इमेज को कुछ बड़े रूप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बटन है, यहाँ पर आप बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेज सेट करने के बाद दोस्तों हमने अपने सारे आइटम पर इमेज सेट कर दिया है। इसे करने के बाद हम चलते हैं पहले परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में हमने एक यहाँ पर ऑलरेडी कुछ परचेज आइटम करके रखा हुआ है, जैसे ये देखिए, ये पहले इज इमेज ये क्या डिस्प्ले करा रहा है कि आपके पास जो आइटम आपने परचेज की है उसमें इमेज आपने सेट किया या नहीं। जिस आइटम में इमेज सेट नहीं होगा वो यहाँ पर दोस्तों नो आ जाएगा। जैसे मैं अभी आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखला देता हूँ यहाँ पर, जैसे एक मैं यहाँ पर एक आइटम बना लूँ, चलिए मैंने ए नाम से एक आइटम यहाँ पर बनाता हूँ। अभी ये मैंने एक आइटम बनाया ए नाम से, अभी जैसे मैं देखिए इसमें चूज किया तो ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, नो, मतलब इस आइटम में मैंने इमेज डाला ही नहीं तो इसमें नो दिखला रहा है। इसके अलावा एक और देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर आइटम पर इंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा कर्सर आगे बढ़ता है, पर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें यहीं पर डिस्प्ले हो जाए कि कौन सा इमेज उसके अंदर है, तो उसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन दिया है। ये देखिए सेल वाउचर में मैंने इस ऑप्शन को यस रखा है, डिस्प्ले इमेज इन आइटम लाइन, और परचेज में हमने क्या किया है, इसी ऑप्शन को नो रखा है। तो परचेज में नो रखने की वजह से आप वहाँ पर इमेज को देख नहीं पा रहे कौन सा इमेज है, पर अगर हम सेल वाउचर में चलते हैं तो सेल वाउचर में जाने के बाद जैसे ये आइटम है, अभी हम जैसे आइटम पर इंटर करेंगे ये देखिए पिक आपको डिस्प्ले होगा और फिर इंटर करेंगे तो पिक चला जाएगा और बस आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइटम आएंगे पिक डिस्प्ले होगा, आगे बढ़िए। इसी तरह से दोस्तों जो भी वाउचर मेरे पास सेल वाउचर में है आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इस पर इंटर करते हैं वो इमेज डिस्प्ले कराता है, हम आगे बढ़ते हैं इमेज डिस्प्ले कराता है, इमेज डिस्प्ले कराता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इसका यूज नहीं करना है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा टोटल एक यहाँ पर बिल है। अभी इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि हम यहाँ पर कैटलॉग भी इसका प्रिंट करके देख सकते हैं यहाँ से, मतलब पार्टी को हम इसका कैटलॉग भी दे सकते हैं कि हमने क्या क्या आइटम इसने हमसे परचेज की है। जनरली जो आप इन्वाइस देते हैं उसी का ये सेकंड रूप है, एक मिनी इन्वाइस के रूप में कह सकते हैं कैटलॉग। यहाँ पर देखिए कंपनी का नेम आ जाएगा, पार्टी का नेम आ जाएगा, कौन सा वाउचर है, कितना वाउचर नंबर है, बिल अमाउंट टोटल कितना है, कब का ये बिल है। तो आपने जो भी उसे प्रोवाइड की उसकी
उसने कौन सा आइटम परचेज किया, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसने अपने रेट क्या लगाया और उसका इमेज है, ये यहाँ पर सारा डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। और नीचे में उसका टैक्स वगैरह का डिटेल आ जा रहा है, टोटल कितने का बिल है और टोटल कितना टैक्स है। इसी को हम यहाँ भी देखते हैं दोस्तों, एक और इन्वॉइस मेरे पास है, आप यहाँ भी देखिए, मैं इस पर भी आपको दिखलाता हूँ। तो ये जो कैटलॉग है नॉर्मली क्या है, ये आपका जो टैली का जो इन्वॉइस है उससे ये अलग प्रिंट आपको दे रहा है और ये आपको सिर्फ इसी का प्रिंट देगा। अभी मैं आपको इसका जूम करके दिखलाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का है। आपने जो भी पार्टी को सेल किया उसके नाम पे ये कैटलॉग प्रिंट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि इन्वॉइस के साथ साथ अगर आप इमेजेस देना चाहते हैं तो अलग से आप उसे कैटलॉग भी दे सकते हैं। ये नॉर्मली दोस्तों रिकमेंडेड है उनके लिए जो कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं या मोबाइल का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो इस तरह से आप दोस्तों कैटलॉग यहाँ से दे सकते हैं। हमने परचेज कर लिया, सेल कर लिया, अब हम लोग थोड़ा स्टॉक की पोजीशन देखते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर इमेज कुछ आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो भी इमेज है आपके पास, आप ये बगल में स्क्रॉलिंग करा के भी अपने पास जो भी स्टॉक है आप उसका स्क्रॉलिंग करा के यहाँ पर देख सकते हैं। अभी चलिए अब थोड़ा सा और मोबाइल सेगमेंट का भी देख लिया जाए कि मोबाइल सेगमेंट में हमारे पास क्या क्या इमेज है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपके पास एक, हमने यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं बटन बार में हमारे पास एक बटन भी दिया हुआ है फिल्टर के लिए, जिससे किसी एक खास सेगमेंट को अगर हमको फिल्टर करना है तो आप देखिए वो सिर्फ मोबाइल को फिल्टर करके लाया है। अभी हम दूसरे ग्रुप को फिल्टर करते हैं तो ये देखिए साड़ी ग्रुप को इसने फिल्टर कर दिया। तो यहाँ पर आप इस तरह से इमेज को देख सकते हैं। अभी इसका जो एक और स्टेप है यहाँ पर है आइटम इमेज गैलरी, अभी हम इसमें चलेंगे और यहाँ पर हम साड़ी का ग्रुप चूज करते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ये कैटलॉग कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों CPSP डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि इस आइटम को हमने परचेज नहीं किया है, फिर भी मैं आपको इसका प्रिंट दिखलाता हूँ। हम यहाँ पर अल्ट पी करेंगे, अल्ट पी करने का थोड़ा सा सेटिंग करना होगा दोस्तों, चूँकि ये जो हमने प्रिंट दिया था इसके लिए हमें क्या करना होगा कि वर्टिकल मोड में लेना होगा, ये लैंडस्कोप मोड में दोस्तों, तो ये इमेज कुछ बेहतर आएगी। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ, आप देखिए ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का ये आपका जो स्टॉक है, स्टॉक समरी जो है उसका आपका कुछ इस तरह का प्रिंट ये आएगा। अभी इसमें CPSP नहीं आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा, चूंकि मैंने इसका ना परचेज दिखलाया है ना सेल दिखलाया है। तो अभी हम आपको दूसरे स्टॉक पर दिखलाते हैं, जैसे मैंने ये मोबाइल सेगमेंट को चूज कर लूँ। मोबाइल सेगमेंट में देखिए दोस्तों CPSP सारा आ रहा है। इसमें क्या है कि जैसे हम यहाँ पर हाइट CP कर देंगे और तो आपका कॉस्ट प्राइस हाइट हो जाएगा, और जब हाइट SP कर देंगे तो हाइट आपका सेल प्राइस भी हो जाएगा। दो चीज़ आप हाइट कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रीवियस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज प्रीवियस पेज मैं आपको यहाँ से दिखलाता हूँ दोस्तों, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब मैं सारे आइटम को यहाँ पर डिस्प्ले करा दूँ तो क्या होगा, काफ़ी सारे हमारे पास आइटम है, ये देखिए कुछ इस तरह का इमेज आ रहा है। अभी मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पर स्किप हो जाएगा, सिस्टम थोड़ा मेरा स्लो है दोस्तों ओल्ड सिस्टम होने की वजह से, पर आपके हम ये परफेक्ट वर्क करेगा। ये देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट हमारा जा रहा है, और आप इस तरह से प्रीवियस में भी आ सकते हैं, नेक्स्ट के बाद प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसका थोड़ा आपको प्रिंट दिखला दूँ आपको, जैसे हम यहाँ पर चलते हैं अगर मोबाइल सेगमेंट में, ये हमने यहाँ पर कंट्रोल अल्ट पी का बटन दिया और जैसे हम इसे प्रिंट कराते हैं तो ये सारा डिटेल दोस्तों आपका प्रिंट होके आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे जूम कर दिया है, ये कौन सा आइटम है, किस ग्रुप में है, CP क्या है, SP क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। तो यही है दोस्तों आज का ट्यूटोरियल। नॉर्मली जो लोग रेडीमेड गारमेंट्स में व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये उपयोगी ट्यूटोरियल हो सकता है। आप अपना कैटलॉग या स्टॉक का प्रिंट भी निकालवा के आप
कस्टमर को डिजाइन के साथ रेट के साथ इसे आप दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और ट्यूटोरियल को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।